पुलिस थाना अंतर्गत एक सट्टे का मामला उजागर हुआ है, जहां बांग्लादेश बनाम भारत मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिन पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। वर्ल्ड कप के मद्देनजर पूरे भारत के क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट की मैच बड़ी चाव से देखते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ सट्टेबाज लोग चंद पैसों की खातिर सट्टे का काला व्यापार चला रहे। इसी श्रृंखला में पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत एक सट्टे का मामला उजागर हुआ है, जहां 43 वर्षीय चंद्रकांत बोरकर के घर भारत बनाम बांग्लादेश इस क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले 34 वर्षीय चंदू चांदीकर और 19 वर्षीय विनीत इंगोले समेत चंद्रकांत बोरकर को हिरासत में लिया गया है। जहां गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में 2 तलवार, 6 मोबाइल, 1 टीवी सेट, 1 फ्रिज और 1 बाइक, ऐसा कुल मिलाकर 2,86,110 रुपए का अवैध माल बरामद किया गया है और आगे की जांच जारी है। इसके विषय में जानकारी दी सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण सोमवंशी ने। काल रात्री अशी गोपनीय माहिती मिळाली की भारत आणि बांग्लादेश हा जो क्रिकेटचा मॅच चालू आहे त्यामध्ये वैशाली नगर या भागामध्ये चंद्रकांत घनश्याम बोरकर याचे घरामध्ये काही इसम हे सट्टा लावून त्यावरती खाईवाडी असा प्रकार करून त्या ठिकाणी जुगार हा त्या प्रकारचा खेळला जात आहे। त्यावरून तात्काळ पोलीस स्टेशनचे तपास पथक, पोलीस स्टेशनचे अधिकारी, बीट मार्शल यांनी सदर ठिकाणी जाऊन छापा टाकला असता त्या ठिकाणी बोरकर आणि त्यासोबतचे इतर 2 आरोपी असे 3 आरोपी जागेवर ताब्यात मिळून आले। त्यांच्याकडून सट्टा खेळत असलेले काही मोबाईल, त्याचबरोबर जुगाराचे साहित्य आणि 2 तलवारी पण मिळून आलेले आहेत, त्या सर्व जप्त करण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर त्या घरामध्ये असणारे जे वस्तू आहेत, सोफा सेट, कूलर, त्यानंतर LCD TV आणि एक मोटरसायकल, असा जवळपास 2,86,110 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपी अटकेत आहेत, 3 आरोपी सध्या अटकेमध्ये आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।